मैंने भी इसे ना अपने बेटे के जिद में लिया था। उस समय लॉकडाउन का टाइम चल रहा था तो सभी घर में थे, वो बेचारा परेशान हो जाए कि मैं किसके साथ खेलूं, इस करके हमने ले लिया। हमने ले तो लिया, स्टार्टिंग के कुछ दिन तो हमारे बहुत ख़राब गए, मतलब ये जहाँ तहाँ छोटा, एक्चुअली चाहे ह्यूमन बींग हो या जानवर हो, छोटे बच्चे तो छोटे बच्चे होते हैं, वो जहाँ तहाँ मतलब पॉटी सुसू करे, मतलब परेशानी तो मुझे हुई। उसके लिए तो एक खिलौना मिल गया बट सारा कुछ मुझे करना रहता था। लेकिन धीरे धीरे इसके साथ जो है ना अपना अटैचमेंट होता गया और ये हमें अच्छी लगने लग गई। तो फ्रेंड्स, मैनेज करना भी बहुत ज़रूरी है। मैनेज तो किया मैंने, और थोड़ा सा सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने सोचा था कि चलो ठीक है, जर्मन शेफर्ड है तो जस्ट लाइक एक गार्ड, तो हमारी सेफ्टी भी रहेगी। सो दैट मैंने इसे, मैं एग्री हो गई लेने के लिए। अब इसके साथ इतना अटैचमेंट हो गया है कि कहीं भी जाओ तो लगता ओहो बेचारी कैसी होगी, कैसे खेल रही होगी, कैसे रह रही होगी, समझ में नहीं आ रहा। फाइनली मुझे एक अच्छी सी मेड मिल गई जिसकी वजह से ये भी हैप्पी रहती है और हम भी हैप्पी रहते हैं। फ्रेंड्स, कमेंट से बोलना आपको कैसा लगा स्टॉर्मी के बारे में सुन के और ये सब जानकारी। फ्रेंड्स, ये शायद ही कोई लोग आपको बताएंगे कि हाँ मतलब आप डॉगी रखो या ना रखो। मैं तो यही सजेस्ट करूँगी, अगर आप केयर कर सकते हो तभी रखो, शौक के तौर पे देखा देखी में मत रखो, क्योंकि ये भी एक लिविंग थिंग है, इनके भी इमोशन जुड़े हुए हैं आपके साथ, इनको सारा पता होता है कौन इनसे प्यार कर रहा है, कौन इनसे लड़ाई कर रहा है, सब पता होता है इन्हें।